हेलो दोस्तों, आप देख रहे थाई टिप्स फॉर यू। मैं इस वीडियो में आपको थ्री अप कट टोटल और थ्री अप टर्च टोटल बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तीन ट्रिक देने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें। आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप यदि मेरे ट्रिक को देखते हैं, यदि वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और हो सके तो हमें कमेंट भी कर दें। लेकिन जो भी नए भाई हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल को थाई टिप्स फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को थाईलैंड की लॉटरी जीतने के नए नए तौर तरीके और टिप्स एंड ट्रिक्स फार्मूले देते रहता हूँ, जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से थाईलैंड की लॉटरी जीत सकते हैं। थ्री अप का कट टोटल किस तरह से निकालते हैं, इस वीडियो में आप देखें, उसके बाद मैं आपको टर्च बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, 073 या थ्री अप आए हुए हैं हमें। इसका टोटल देखिए यहाँ पर लिखा है, जीरो होता है, ठीक है। देखिए करना क्या है, 073 का जो लास्ट नंबर है थ्री, उसमें हम +6 करेंगे। ये +6 कोड है, तो +6 करेंगे दोस्तों, और फिर इसी नंबर के साथ हम +7 करेंगे। तो 3 + 6 किए तो क्या हुआ, 9। 3 + 7 करेंगे तो क्या होगा, 0। यह कट टोटल है। अगला जो थ्री पाया था वो था 2 2 9, जिसका टोटल होता है थ्री, ठीक है। देखिए यहाँ पर 9 और 0 का टोटल कट जो है पास हो गया दोस्तों। उसी तरह से अब यहाँ पर देखेंगे, थ्री अप रिजल्ट आ गए थे, 9 का टोटल था, 3 2 4 का टोटल यहाँ पर आ गया है। तो यह हमारा ट्रिक यहाँ पर हमारा फेल होता दिख रहा है, यह कैलकुलेशन, ठीक है दोस्तों। लेकिन उसके बाद फिर से यह कैलकुलेशन कंटिन्यू पास होगा, जैसा कि आप आगे देख सकते हैं। 3 2 4, 4 + 6 करेंगे तो क्या होगा, 0। एंड 4 + 7 करेंगे तो क्या होगा, 11 का 1 होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमें कट मिला है 0 8 1, यह कट टोटल रहेगा। और बिल्कुल यह भी पास हुआ है दोस्तों, थ्री अप रिजल्ट लास्ट टाइम जो आए थे 6 0 2, जिसका टोटल होता है 8, ठीक है। तो देखिए आगे जो आने वाला है 16 अगस्त के लिए, यहाँ पर फिर उसी तरह से करेंगे, जो लास्ट नंबर है 2 उसे लेने हैं, और +6 एंड +7 कर रहे हैं। तो +6 करेंगे तो क्या मिलेगा, 8। एंड +7 करेंगे तो क्या मिलेगा, 9। तो इस तरह से हमारा 8 और 9 का टोटल मिल रहा है 16 अगस्त 2018 के लिए, जो थ्री अप आने वाला है उसके लिए, ठीक है दोस्तों। तो हालांकि इस ट्रिक के माध्यम से कट टोटल मिल रहा है, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर यह हमारा कप पास हो गया है, तो इसे हम टोटल कट नहीं मारेंगे, हम इसे लॉ कट में, लॉ टर्च में हम इसको रख सकते हैं, लॉ कट की श्रेणी में हम इसे रख सकते हैं दोस्तों। हो सकता है कि इसमें से कोई टोटल पास भी हो सके। थ्री अप का 1 टोटल यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को समझ लें, ठीक है। बहुत सारे भाई हमें कमेंट करते रहते हैं कि आपका ट्रिक गलत है, आपका ट्रिक कैलकुलेशन गलत है, आपका नंबर लिखा हुआ गलत है। लेकिन उनसे कहना चाहूँगा कि कुछ भी गलत नहीं है, आप ध्यान से देखते नहीं हो, आप इसलिए आपको गलत लगता है, ठीक है। ट्रिक किस तरह से बनाया गया है, किस तरह से फॉलो किया गया है, वो आप नहीं समझ पाते, इसलिए आपको ऐसा लगता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुने कि मैं क्या कह रहा हूँ, और आप वीडियो को भी ध्यान से देखें, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मैं आगे बताने जा रहा हूँ। अब देखेंगे 1173 आप आए थे, उसके बाद 131 आया था, ये सारे रिजल्ट आए हुए हैं जो लिखा हूँ मैं। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 131 का टोटल 5 होता है। देखिए यहाँ पर मैंने 5 बराबर में लिखा है, लेकिन उसके ऊपर आप देखेंगे कि 7 आ रहा है, यह 7, ये 1177 का 7 यानी कि लास्ट नंबर यहाँ लिया हुआ है। आप यदि इन दोनों नंबरों को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 12, ठीक है। देखिए यहाँ पर 12 मिलता है। तो हम यहाँ पर इसका टोटल कैसे निकालेंगे, आप देखें, यह 7 को यहाँ पर हमें लेने हैं, ठीक है। और 7 हमने ले लिया, उसके बाद 7 में हम कौन सा अंक को प्लस करेंगे ताकि बराबर करने से टोटल 12 मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो 7 को प्लस करेंगे 5 के साथ, तो बराबर करने के बाद हमें मिलेगा 12।
तो इस तरह से आप देखेंगे, देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है दोस्तों 5 को, तो यह दूसरा नंबर जो है वो टर्च पास होगा। आप देखेंगे कि यह देखिए टोटल 5 यहाँ पर पास हुआ है। ठीक उसी तरह से नीचे आएंगे दोस्तों, नीचे उसी तरह से देखें, अब है 3 2 4 और 6 0 2, तो 6 0 2 का टोटल होता है 8, और 3 2 4 का जो लास्ट नंबर है 4 वो यहाँ लिखा, और 8 और 4 को आपस में प्लस करेंगे तो फिर हमें मिलता है 12। ठीक उसी तरह से देखें दोस्तों, यहाँ पर 4 हमने लिखा और उसमें हम 8 को प्लस करेंगे तो मिलेगा 12, यानी कि यहाँ पर जो रहेंगे वो दोनों नंबरों को आपस में प्लस करने के बाद जो हमें अंक मिलते हैं वो 12 होना चाहिए। तो ऑलरेडी आपको 4 पहले से पता है, लेकिन यहाँ पर क्या जोड़ेंगे तो 12 होगा, तो 8 जोड़ेंगे तो 12 होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर 8 यहाँ पर पास होता है इस 3F का। अब हम जो अगला 3F रिजल्ट आने वाले हैं उसके लिए टोटल निकालेंगे, तो यहाँ पर किस तरह से करेंगे दोस्तों, इस 2 को हमने यहाँ लिया, इसका टोटल हमें पता नहीं है, ठीक है दोस्तों, लेकिन जैसा कि आप इस ट्रिक में देखा कि हमेशा एक दूसरे के साथ प्लस करने के बाद हमें टोटल जो मिल रहा है वो 12 मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी 12 रहेगा। यहाँ से हमें मिला हुआ है 2, तो देखिए इस 2 को हमने यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों, तो अब एक अंक हमें मिला हुआ है जो 2 है, लेकिन दूसरा क्या अंक हम इसके साथ इस 2 के साथ प्लस करेंगे कि मेरा टोटल 12 हो जाना चाहिए। तो क्या प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा दोस्तों, तो 10 प्लस करेंगे, 10 यानी कि 0, 10 का लिखेंगे हम 0। ठीक है दोस्तों, इस 3F रिजल्ट का टोटल 0 आने वाला है जो अगले 3F आने वाले हैं 16 अगस्त 2018 को। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ट्रिक को आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखें 3F टोटल कैलकुलेशन में बता रहा हूँ, और यह तीसरा ट्रिक है दोस्तों। मैं जैसा कि आपको कहा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 ट्रिक दूंगा, पहला कट टोटल और दूसरा टर्च टोटल और यह तीसरा भी टर्च टोटल है। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें, बिल्कुल भी आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक टोटल ही मिलेगा इसमें भी आपको, 2 3 4 का टोटल होता है 9, ठीक है, 8 2 3 का टोटल होता है 3, और 8 5 3 का टोटल होता है 6। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। 8 2 3 के टोटल क्या है 3, और 8 2 3 का लास्ट नंबर क्या है 3, तो इस दोनों 3 को हम यहाँ पर प्लस किए, 3 प्लस 3 बराबर क्या होगा दोस्तों 6, और 6 का होम होता है 1। ये हमारा टोटल मिला है अगला 3F के लिए, जो 3F आया था 8 5 3, उसके लिए हमारा यह टोटल टर्च है। और आप देखेंगे कि इन दो नंबरों में से एक नंबर पास हुआ है टोटल में, और यहाँ से देखिए 6 पास हुआ है दोस्तों, 3F रिजल्ट आए थे 8 5 3। ठीक है, आप इसे समझ गए। अब मैं उसके बाद यानी कि 8 5 3 के बाद जो 3F रिजल्ट आए थे वो आए थे 55907 3 और 229। देखिए 559 का टोटल होता है 9, 073 का टोटल होता है 0, और 229 का टोटल होता है 3। तो यहाँ पर 3 किस तरह से आया है दोस्तों, वही हमें निकालना है। देखें यहाँ 073 का टोटल होता है 0, वो हमने यहाँ लिखा, और इसका 073 का लास्ट नंबर जो होता है वो है 3, तो हम 0 प्लस 3 करेंगे तो क्या मिलेगा 3। 3 का होम क्या होता है दोस्तों, 3 का होम होता है 8। तो यहाँ पर देखें टोटल के लिए जो टर्च मिला है हमें वो है 3 और 8, लेकिन यहाँ पर से भी देखिए 3 पास हुआ है, 3F रिजल्ट आए थे 229 जिसका टोटल होता है 3। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। उसके बाद जो 3F आए थे वो थे 117 131 एंड 623। ठीक है दोस्तों, 117 का टोटल होता है 9, एंड 131 का टोटल होता है 5, एंड 623 का टोटल होता है 1। ठीक है, अब हमें यहाँ 1 कैसे आया, कैसे मिला, 623 का टोटल कैसे मिला ये निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 131 का जो 3F है जिसका टोटल होता है 5, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस 5 को हमें यहाँ लिखा,
फिर 131 का लास्ट नंबर जो है 1, वो भी यहाँ लिखा। ठीक है दोस्तों, आप 5 प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 6, और 6 का होम होता है 1। देखिए यहाँ पर से हमें टच मिला है 6 एंड 1। आप देखेंगे कि यहाँ से देखिए 1 पास हुआ है टोटल दोस्तों, 3 अप रिजल्ट आए थे 6 2 3। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। 6 2 3 के बाद 3 अप रिजल्ट आए थे 3 2 4 6 0 2। अब जो 3 अप अगला आने वाला है दोस्तों, यहाँ पर क्या नंबर आएंगे और इसका क्या टोटल होगा, ये हमें निकालने हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 602 का टोटल होता है 8, जैसा कि हमने पहले निकाला हुआ है उसी तरह से हम यहाँ पर भी निकालेंगे। 602 का टोटल होता है 8। ठीक है दोस्तों, उस 8 को हमें लेने हैं, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा, और 602 का जो लास्ट नंबर है 2 है, उसे भी हमें यहाँ लिखना है, और 8 के साथ उसे प्लस करने हैं। तो 8 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। 10 का क्या लिखेंगे दोस्तों, 0 लिखेंगे। ठीक है, और 0 का होम क्या हो जाएगा, 5। तो इस तरह से हमें यहाँ पर दो टर्म्स मिलते हैं, 0 एंड 5। 0 एंड 5 का टोटल अगला 3 अप रिजल्ट जो 16 अगस्त को आने वाले हैं उसमें टर्म्स मिल रहा है दोस्तों, 0 एंड 5 का टोटल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप जैसा कि देखा हमारे पहले कट टोटल में 8 और 9, और पहले टर्च टोटल में 0, और यहाँ पर भी आपको 0 और 5 मिल रहा है। लेकिन एक और भी राज की बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको टर्च में भी जो 3 अप रिजल्ट आ रहे हैं उसका टर्च के ओपन में 8 आ सकते हैं, वह किस तरह से मैं वो आपको बता रहा हूँ। आप देखेंगे ये 3 3 अप सेट्स लिखे हुए हैं, और यहाँ पर भी 3 3 अप सेट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 2 प्लस 8 और प्लस 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 का 8 मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे 117 एंड 131 एंड 623 का यदि ओपन नंबर हम आपस में प्लस करते हैं 1 1 एंड 6 को, तो जिसका टोटल हमें 8 मिलता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी इसका टोटल 8 मिल रहा है और यहाँ पर भी मिल रहा है। हालांकि 853 के बाद 117 नहीं आए हैं, 853 के बाद जो टोटल आए हैं दोस्तों वो हैं 559। ठीक है, 559 है, लेकिन इस तरह से यहाँ पर ट्रिक बनाया गया है, आप समझ सकते हैं। देखिए 559 का और 073 का और 229 का, आप देखेंगे इसका टोटल क्या होता है यदि ओपन नंबर को हम जोड़ेंगे आपस में। देखिए 5 0 और 2, तो इसका टोटल करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 7 होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर हमें टर्च निकालने के लिए जो अगला 3 अप रिजल्ट आने वाले हैं उसका यदि हम टर्च निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर किस तरह से होगा, 3 प्लस 6 और प्लस 8 करने से हमें मिलता है 7। यहाँ पर यदि 7 है तो यहाँ पर यदि 7 आता है इसका टोटल, तो यहाँ पर ओपन में 8 पास होगा। ठीक है, आप जैसा कि ऊपर में देखा 2 8 8 का टोटल होता है 8, और 1 1 6 का टोटल भी होता है 8। ठीक है दोस्तों, तो यदि यहाँ पर हम 6 लिखते हैं तो 8 टोटल बनता है, तो हमें ओपन नंबर मिल जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी आपको फॉलो करने हैं 3 6 और 8। यदि जो अगला 3 अप आने वाला है उसके लिए हम 8 ओपन लेते हैं तो हमारा टोटल 7 बनता है, और यहाँ पर भी देखिए 7 है, यहाँ पर भी 7 बनता है। ठीक है दोस्तों, तो यह था 3 अप टोटल कैलकुलेशन, उम्मीद करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। लेकिन मैं आपको फाइनल बताने जा रहा हूँ दोस्तों, और भी मेरे जो साइलेंट और हिडन कैलकुलेशन है उसके थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 16 अगस्त 2018 के लिए जो हमारा कट टोटल रहेगा दोस्तों, वह 3 4 5 रहेगा। जो हिट टर्च होगा वो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, जैसा कि आपने दो ट्रिक में देखा, 0 आए हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको यहाँ पर दिखाया था कि 0 और 5 टर्च आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर से आपको क्लियर हो गया है दोस्तों कि 5 कट है, 5 कट में चला गया है, इसलिए आपको 0 100% ही मानकर चलना है। 3 4 5 कट है, और हिट टर्च टोटल मेरे हिसाब से 0 1 2 7 हो सकते हैं, और लॉट टर्च टोटल 6 8 9। हालांकि 8 9 मेरे एक ट्रिक के माध्यम से कट आ रहे हैं,
लेकिन मैं इसे कट लेकर नहीं चल सकता, क्योंकि हो सके कि वह ट्रिक फेल हो और यहाँ से भी नंबर पास हो सकते हैं। जैसा कि आपने देखा मेरे पिछले वीडियो में, मैंने जो लॉ टोटल दिया था वहीं से पास हुआ था। इस बार मेरा ही टोटल है 0127 और मेरा लॉ टोटल है 689, लेकिन कट टोटल आप ध्यान दें 345 है और बिल्कुल इससे पास नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं पिछले 5-6 ड्रा से आपको टोटल का फॉर्मूला भी दे रहा हूँ, जहाँ से कंटिन्यू हमारा टोटल पास हो रहा है दोस्तों, कभी भी फेल नहीं हुआ है। ठीक है, हमारे थ्री एप्स पास और फेल होते रहे हैं। तो यह था मेरा फाइनल वीडियो फॉर टोटल कैलकुलेशन। आप देख रहे हैं थाई टिप्स फॉर यू। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टिप्स नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।